12 जिलों में नए मरीजों से अधिक स्वस्थ हुए। इन जिलों में 2,396 संक्रमित मिले और 3,461 लोग ठीक हुए। सदर अस्पताल रांची में बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगेगा पीएसए प्लांट। धनबाद में 3 जगहों पर लगेगा डिस्प्ले बोर्ड, हर 3 घंटे पर परिजनों को मिलेगी मरीज की जानकारी। कोविड मरीजों के लिए जमशेदपुर मणिपाल मेडिकल कॉलेज ने स्वास्थ्य विभाग को दी 2 एम्बुलेंस। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई में सुनाया फैसला, जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिलीज करने का आदेश। रिम्स के एंकोलॉजी वार्ड में 25 गंभीर मरीज भर्ती, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली। गढ़वा में 10 मई तक धान नहीं खरीद होने पर किसानों ने दी आत्मदाह की धमकी। बोकारो सेल प्रबंधन ने अपने कर्मियों को दिया मदर्स डे का गिफ्ट, मिली 15 दिनों की छुट्टी। रांची के मेकॉन कॉलोनी गेट के पास अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोग घायल। धनबाद आईआईटी के स्टूडेंट्स का पोर्टल बताएगा देशभर में कहां कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए क्या संसाधन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।